हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएसआर फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएसआर फाइनेंस पे। दोस्तों हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे दोस्तों हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी तक आपने हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का बेनिफिट और फ़ायदा ये है कि यहाँ नई नई लोन की एप्लीकेशन की अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल जाती है। अब भाई आपसे मैं आपकी एप्लीकेशन की बात बता दूँ, एप्लीकेशन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरी एप्लीकेशन में मेरा लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जैसे ही मैंने उसकी रीपेमेंट करी, मेरा लोन जो है इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। एंड उस एप्लीकेशन की बात कर लूँ, भाई टोटा गैस एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, कुछ देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट लाइन ऑफ 3 मंथ एंड रिजॉल्व ग्रोप क्रेडिट लाइन 3 मंथ। तो यहाँ पे मैंने पहले जो है भाई मेरा रजिस्टर है सब कुछ। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो मैंने लोन लिया था फिर मेरा रिजेक्ट कर दिया था। अगर मैं लोन सेक्शन में अबाउट सेक्शन में जाकर माई लोन सेक्शन में जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए पेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पेड का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मैंने लोन लिया था। तो अगेन मैंने उसकी रीपेमेंट भी कर दी थी, फिर उन्होंने जब मैंने दोबारा अप्लाई किया उन्होंने मेरा लोन जो है रिजेक्ट कर दिया था। बट रीजन मुझे कोई रीज़न नहीं बताया। फिर एक बार स्टार्टर पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप कह रहा भैया डॉक्यूमेंट डालिए यहाँ पर, तो उसको देरी ना करते हुए चीज़ें हम डालेंगे, फिर देखेंगे भाई आगे का स्टेप। तो दोस्तों पता नहीं यहाँ पे क्यों अगेन मेरे से डॉक्यूमेंट जो है अगेन मांगे कि अब दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अब जो यहाँ पे अब मेरी एप्लीकेशन है वो सबमिटेड तो हो गई है, अब देखना ये है भैया यहाँ पे लोन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा या फाइनली ये मेरा रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि टोयोटा गैस वाले ऐसे ही कर रहे हैं बहुत लोगों के साथ कि वन टाइम रीपेमेंट अगर आप कर दोगे तो अगेन आपको दोबारा लोन नहीं मिलने वाला। और ये भी मेरे साथ हो गया क्योंकि 15 दिन बाद मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन में और उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कहा कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करो। जब एक बार ही मैंने अपलोड कर दिया उसके बाद भी ये सब यही हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन क्या कर रही है। फिलहाल मैंने अप्लाई तो कर दिया है, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भाई कोई रीपेमेंट मत करना टोयोटा केस की, क्योंकि वन टाइम ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, उसके अगेन सेकंड टाइम आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। अगर कोई भी टेक्निकल एरर कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना।